सुबह उठने में लेट हो गया बहुत। आज सैटरडे है, ऑफिस जाना है, कल छुट्टी था। देखते हैं क्या होता है। डोडो बाहर भाग गया खेलने के लिए, नहीं तो आपको मिला था उससे। जैसे जो होता है आपको अपडेट करते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। सभी को राधे राधे। जा रहे थोड़ा मार्केट की तरफ, मैदान की तरफ, देखते हैं क्या सब्जी मिलता है, थोड़ा सब्जी ले लेते हैं। हम लोग घर में हर रोज़ अलग अलग टाइप का सब्जी बनता है, तो आज साग खाने का मन है वाइफ को, तो आज साग लेते हैं जाते हैं। और कॉलीफ्लावर यानी फूल को भी लेना है तो लेते हैं। कुत्ते को भी कुछ खिला देते हैं और देखते हैं डोडो कहाँ है, साथ फिर डोडो को लेकर साथ में चलते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ। सुबह सुबह चिप्स? हाँ, तो ये कहाँ छुपा हुआ था, इससे पूछिए कहाँ छुपा हुआ था। बहन के घर में घुस गया था, वहाँ बैठा हुआ था। इधर देखो, ब्लॉग में कुछ बोल दो। चलते हैं सब्जी लेते हैं। इसको देखिए, ये लाट साहब है, उठ के खाएगा नहीं, हमेशा इसको बैठे बैठे खाना देना पड़ता है। ये देखिए, और डोगो को देखिए, डोगो को सुबह सुबह चिप्स खा रहा है खाली पेट। मिलते हैं डेली ब्लॉग के साथ, ऑफिस पहुंच के सब्जी लेके घर जा रहे हैं। के लिए वेट कीजिए। देखिए, और फटाफट चलते हैं, नहाते हैं, फिर ऑफिस पहुंच के मिलते हैं आपसे। लोगों को देखिए, तो तक ले, गुड बाय। निकलने का, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सैटरडे है, तो पूरा ब्लैक ब्लैक डे पहना हूँ। कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ऑफिस में मिलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, सब एवरीथिंग इज कंप्लीटेड एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू द ऑफिस। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम। ऑफिस में मिलते हैं नए कार्य के साथ। देख रहे हैं ऑफिस पहुँच गए हैं, 9:10 हो गया, 10 मिनट आज भी लेट हो गए हैं। पता नहीं आज क्या सुनने को मिलेगा। ईश्वर में ऑफिस में दो आदमी काम छोड़ चुका है, तो जिसके वजह से मेरे ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा पड़ गया है। तो यही प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं, सर डिपेंडेंट है पूरा मेरे ऊपर। अभी देखते हैं कैसे क्या होता है, आपको अपडेट देते हैं कहाँ जाना है, आज नहीं जाना है। तो प्रवचन सुनने को मिलेगा 2-4 को, फिर उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो तक लिए गुड बाय। वेर एवर आई गो आई विल इन्फॉर्म यू। तो अभी हम लोग को बैग वगैरह का काम मिला है, मैं बैग वगैरह के लिए निकला हूँ। देखते हैं कहाँ जाते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ आपको बताएंगे। बैग वगैरह का कुछ लुक्स दे देंगे आपको। तक के लिए वेट कीजिए, चलते हैं बैग वगैरह के निकलते हैं। आज शनिवार है तो 3 बजे छुट्टी हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, कुछ भी होता है तो मुझे ही पकड़ कर रख लेते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं बेग बगान में काम होने के बाद। मुझे भूख लगी है, तो ये भैया के पास से ये वाला ले लिए, तो खाते खाते चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे मीठा मीठा रास्ता, गुड़ का बना हुआ है। राइस ऐसे ही बन रही है, जैसे जो होता है आपको बताते हैं। ये हमारे बिल्डिंग का इलाका है, डलहौसी स्क्वायर बोलते हैं इसको। ये सामने अपना बिल्डिंग है, देख सकते हैं, डायमंड हेरिटेज। बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, इसको रिनोवेट किया गया है। अंदर से तुम्हें आपको दिखाई देता हूँ। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, देखिए गाइस, रिनोवेट करके कितना सुंदर बना है। पूरा कैंपस घुमाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए डायमंड फील्ड।
पास है। यहाँ बहुत तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी है, हर एक चीज़ का बैग का चेकिंग होता है, जो भी चीज़ आप अंदर से बाहर आते हैं उसका चेकिंग होता है। ये एंट्रेंस है, नीचे गैरेज है। ठीक है, मिलते हैं बैग बगान में, तब तक गुड बाय। जैसे कि मैं बोला था कि यहाँ पे काम ख़त्म होते ही मैं आपको बताता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ, तो बस काम ख़त्म हो गया। आप यहाँ का एक बार नज़ारा देख लीजिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। ये बेग बगान का इलाका है और मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कुछ, तक वेट कीजिए। ये देखिए गाइस, आपको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिलेगी। ये बेग बगान का इलाका है, सारी नया कंस्ट्रक्शन है गाइस, सब नए नए बिल्डिंग्स बने हैं यहाँ पे, नए नए ऑफिसेस बनी है। ये देखिए गगनचुंबी इमारत है, देख सकते हैं गाइस मेरे दोनों साइड बड़ी बड़ी सड़कें हैं, इमारतें हैं। कोलकाता की ऐसे अभी तक 42 सबसे हाईएस्ट पीक है। That guys, जिस साइड से और भी अमेजिंग लग रही है। लॉर्डन स्ट्रीट ठीक है गाइस, इसी के साथ यहाँ का काम हो गया, मिलते हैं आपको ऑफिस पहुँच के। सर को हम लोग पहुँच गए ऑफिस, हम ऑफिस में इंटर करने वाले हैं। ये बताते हैं आपको कहाँ कहीं जाना पड़ेगा तो अपडेट देते हैं, तब तक बने रही हूँ मैं तो। आज सैटरडे है, आज हमारा हाफ है, हम जल्दी जल्दी निकल गए हमारे को, तो हम जाएंगे थोड़ा अच्छी दूर काम है, हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं डोडो क्या करता है घर में, घर जाके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। डेली ब्लॉग तो ऐसा ही बनता है, और इसको हम बोल रहे हैं कि ऐसे ही बनता है डेली ब्लॉग, तो बोलता है अच्छा नहीं बन रहा, बोलो डेली ब्लॉग तो ऐसे ही बनता है, आइडिया थोड़ा कम है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, आपके साथ रहते रहते आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारा चैनल। एवरीवन, अभी जस्ट घर पहुंचे हैं और देखिए डोडो सोया हुआ है मस्ती में, मैं घुसते ही वो उसका नींद टूट गया। डोडो हाय बोल दो, हे डोडो हाय बोल दो। अभी देखिए अंगेठी ले रहा है, मस्त गर्म, आज ठंडी बहुत है यहाँ, मस्त सो के उठा है। इसी के साथ दुकान जाके बात करते हैं, टेक ले गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। मैं सो गया था ऑफिस से आने के बाद, अभी जाके मेरा नींद टूटा है, तो थैंक गॉड कि टाइम पे खुल गया नींद। तो डोडो वाइफ सारे घर के मेंबर बगल वाले घर पे शादी है तो सब वहाँ पे बिजी हैं, मैं यहाँ पे घर में अकेले हूँ, सब मुझे ताला मार के चले गए हैं, तो कोई नहीं, चाबी अभी मम्मा को फ़ोन करूँगा, मम्मी को फ़ोन करूँगा तो सिविल गेम द की, और मैं दुकान जाने के लिए रेडी हो गया हूँ, तो मिलते हैं दुकान पहुंच के, तब तक के लिए बाय।
और देखते हैं आज दुकानदारी कैसा होता है। आई होप कि अच्छा हो, कि बिकॉज आज सैटरडे है और कल संडे है, तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। बिजी ऑन हो रहा है, दुकानदारी करते हैं, आपसे मिलते हैं रात में 10 बजे दुकान बंद करने के बाद। तक के लिए बाय। आज सैटरडे था, कैसे भी जैसे तैसे दिन कट गया। कल संडे है, कल का बहुत सारा प्लान है। मैं हर संडे के पहले सैटरडे को प्लान बनाता हूँ कि संडे को ये सब करूँगा, बट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये देखिए अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड होते ही घर के लिए निकलूँगा। डोडो सो गया है शायद, बैटरी लेने के लिए मेरे को बोला था, शायद सो गया है, तो बैटरी भी कल ही लेंगे। और उसका टॉय का कलेक्शन आपको कल दिखाएंगे, उस पर एक स्पेशल ब्लॉग बनेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट, राधे राधे।